सो गाइस हम आ गए हैं बिग बॉस के घर में। देख रहे हो ये मेरे पीछे बिग बॉस है रियल लाइफ में। मतलब मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पा रहा कि यार बस सपना पूरा हो गया मेरा बिग बॉस में आने का। ये देख रहे हो। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और पता है ना कहाँ जा रहे हैं, बिग बॉस। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। 14 साल का सपना मेरा पूरा हो रहा है। मतलब सोच नहीं सकता यार ऐसा मुझे हो रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं मैं कितना एक्साइटेड हूँ। ठीक है तो अभी हम नीचे चलते हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है और फिर हम सीधा चलते हैं बिग बॉस के सेट पे। फिर वहाँ शायद हमें सलमान भाई भी मिल सकते हैं, सलमान खान। ठीक है तो देखते हैं क्या होता है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और बने रहिए व्लॉग में, बिग बॉस का हाउस दिखाने वाला हूँ मैं आपको आज। ये देखो हम आ गए हैं बिग बॉस के सेट पे और यहाँ देखो कितनी सिक्योरिटी वगैरह है। तो अभी चलते हम अंदर और अंदर का सेट दिखाएंगे आपको कैसा है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। सो हम आ चुके हैं बिग बॉस के सेट पे। ये देखो गाइज। सो फाइनली गाइज हम आ गए हैं बिग बॉस के हाउस में। ये देखो 70 के हाउस में। ओ भाई साहब क्या सेट है, देख रहे राज भाई। दिस इज फॉर रियल दोस्तों, ये है बिग बॉस सीजन 17 का घर, बिल्कुल नया सेट। काफी जब सपना देखता था टीवी में जाने का और अभी यहाँ पर आके देख रहा हूँ, गजब। नवीन नवीन मेरे साथ भाई है मनीष भाई। भाई साहब चलो आपको ना अंदर का दिखाते हैं सीन क्या है। चलो आपको अभी दिखाने वाले अंदर का सीन क्या खतरनाक होने वाले। तो गाइस ये है बिग बॉस अंदर का सीन। यहाँ पे देखो ये है लिविंग एरिया, दिख रहा है। यहाँ पे देखो सलमान भाई यहाँ पे आते हैं रोज, मतलब सैटरडे संडे ये व्लॉग में कुछ लो। ठीक है तो यहाँ पे ये भी सीटिंग एरिया है और ये ऊपर पता नहीं क्या इन्होंने बनाया है चढ़ने का, है ना, प्राइवेट एरिया है। हाँ यहाँ भी कुछ है, यहाँ पे सीटिंग एरिया है, देख रहे हो राज भाई। ये सीटिंग एरिया देख रहे हो, एपी फीज फील द फीज। हाँ यही है। तो इधर है किचन, तो आपको अभी चलते हैं हम किचन में लेके। ये देख रहे हो ये है बिग बॉस का किचन, जहाँ पे होती है बहुत सारी लड़ाई खाना बनाने के। देख रहे हो आज आ गए खाली पड़ा है बट बहुत जल्दी भरने वाला है। और यहाँ आएंगे सैटरडे संडे सलमान भाई, ठीक है, और यहाँ सब बैठने वाले हैं। हाँ देख रहे हो यहाँ पे अभी कोई नहीं है। तो देख रहे हो ये भी कह रही है बनाओ बनाओ, बनाओ क्या बनाओ। किसको बनाओ लोगों को वैसे ही बना रहे हैं। ये इधर क्या है भाई, ये इधर क्या है, बहुत सेक्सी लग रहा है। ओ अच्छा यहाँ से कोई मतलब एक्टर्स वगैरह आएंगे अपनी मूवी की प्रमोशन करने के लिए, तो वो सब यहाँ से आएंगे। ओके चलो अब इधर देखते हैं, ये पूरा लिविंग रूम हो गया, मतलब जहाँ पे लोग बैठेंगे। और ये देखो काम चल रहा है, अब इसी रूम में चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं बेडरूम में, पता नहीं इसका बेडरूम क्या है। सो गाइस ये है दिल, दिल का कमरा, समझ रहे हो, मतलब जो दिल से खेलेंगे या जो भी होगा उनके लिए ये रूम है। मतलब गाइस बहुत सेक्सी है, बहुत सेक्सी रूम है। और साथ में यहाँ पे कुछ है इनके लिए, देखो बैठने के लिए, मतलब इनके लिए अलग
सब कुछ इसी में है, वॉशरूम वॉशप्रेस सब कुछ यही है ना। और ये इनका बाथरूम, ये बिग बॉस का बाथरूम गाइस, मतलब बहुत सेक्सी रूम है यार, मतलब है अलग लेवल का बना इस बार। ये क्या है भाई, ये भी वॉशरूम है। तो चलो अभी आपको दूसरे रूम दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है, मतलब कौन कौन से रूम है। सो अब हम आ चुके हैं सेकंड रूम में, और ये होने वाला है मेरे हिसाब से दिमाग वालों के लिए। ये देख रही है, ये दिमाग यहाँ पे लगेंगे, लोगों के दिमाग बहुत चलने वाले हैं। तो यहाँ बैठ के बहुत सारे प्लान्स बनेंगे टास्क के लिए, नॉमिनेशन, चलो वो तो कर नहीं सकते, उनको पता है खुद नॉमिनेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुकड़ू को भी बजेंगे लोगों के, यहाँ सोते हुए बिग बॉस बोले उठो सालो कुछ करो, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ बैठने के लिए, यहाँ पे लोग अपने अपने प्लान बनाएंगे, ठीक है। ये देखो, वो क्या है भाई यहाँ पे, भाई मन कर रहा है ये रह जाऊं मैं तो मन नहीं कर रहा जाने का यहाँ से यार, मतलब है यार अलग लेवल का है बिग बॉस का हाउस इस बार तो। अभी हम चलने वाले हैं कन्फेशन रूम में, ये देखो दिख रहा है, मतलब गाइस क्या है। चलो अभी हम कन्फेशन रूम में चलते हैं। ओ भाई साहब क्या है ये, देखो गाइस कितना सेक्सी बना रखा है यार, इस बार तो इन्होंने फाड़ बना रखा है। ये देखो क्या लग रहा है ये, मतलब खतरनाक इस बार, मतलब फाड़ होने वाला है यहाँ पे सब कुछ, तो मिस मत करना यार इस बार बिग बॉस। चलो गाइस ये देखो यहाँ पे सीटिंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ ये वॉशरूम में जाने का, यस ओ भाई साहब क्या सेक्सी सीन बनाया भाई साहब क्या, चल 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 गाइस ये आ चुका है भाई बिग बॉस का बाथरूम। बाथरूम को देख के इतने खुश हो रहे हैं, देखो निकल ही नहीं जाए यार, ये बड़ा सेक्सी बनाया है, हर बार से सेक्सी है ये यार। ये गाइस बिग बॉस का बाथरूम देखो यहाँ पे सब लोग होंगे, देखो यहाँ पे सब लगेज होंगे सबके, देख रहा हूँ गाइस। चल भाई चल बाहर चल, देखो भाई साहब चल बाहर चलते हम भाई, सीन लेना एक पकड़ना या बैठते आ जा राज भाई, हाँ हम दोनों कर लेते हैं साथ में। ये यहाँ पे कुछ लोग आपको मिलेंगे बैठे हुए, कुछ कपल्स मिलेंगे यहाँ पे बैठे हुए बातचीत करते हुए, ठीक है। यहाँ पे भी षड्यंत्र बनती है, दिल दिमाग और दम सब लगने वाले, सब लगने वाले इस बार। एक चीज आपको दिखाना भूल गए हो, ये देखो भाई साहब मतलब क्या खतरनाक है यार ये देखो, वाह यहाँ पे तो बैठ के मजे आएंगे, मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊं मैं, सही में बहुत अच्छा यार। यहाँ पे क्या होगा भाई, योगा वोगा होगी क्या भाई यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या है। मैं ना आपको बस आखिरी रूम दिखाना भूल गया, तो वो दिखाता हूँ आपको क्या है, एक सेकंड। ये लास्ट रूम ये देख रहे हो, ये लास्ट रूम है यहाँ का, ठीक है। चलो अभी चलते हैं बाहर और आपको मिलता हूँ मैं बाहर, ठीक है चलो। सुनना सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं बिग बॉस के घर से बाहर। भाई साहब जो घर था ना इस बार खतरनाक था, मतलब सोच नहीं सकता था मैं इतना खतरनाक होगा यार, आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का था। तो आपको दिख गया होगा यार ये कैसा लगा बिग बॉस का घर, किसी खुश में भी हाँ बना सका। एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग वाचिंग द व्लॉग, एंड आई होप कि गणपति मतलब आपको खुद को दिख गया होगा व्लॉग में कि कैसा था बिग बॉस का घर। तो गाइस कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस व्लॉग को शेयर करो, ठीक है। मतलब हमने बहुत पहले शूट किया था बट हमें क्लिप्स नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हम शो के रिवील होने से पहले हम क्लिप्स नहीं डाल सकते व्लॉग वगैरह, क्योंकि रिवील होता ना, तो इसलिए। तो अभी चलते हैं रूम पे, फिर बात करता हूँ मैं। भाई साहब दुश्मन है, मैं कह रहा हूँ जन्नत है भाई जन्नत भाई क्या हुआ यार, बता रहा हूँ खाने में क्या लाया भाई, तेरे लेके आया मैं चिकन रोल।
दुष्यंत जन्नत है भाई, इस बार का है ना बिग बॉस का सेट पूरा जन्नत। सही है सही में, मतलब दिल का उन्होंने अलग से बना रखा है होल, दिमाग वालों के लिए अलग बेडरूम और दम वाले उनके लिए अलग बेडरूम। भाई साहब सर चकरा गया भाई बिग बॉस में, मां कसम इस बार भाई टीवी पे रहा अलग ही चीज आने वाली है, सच बता रहा हूँ तेरे को। ये तेरे लिए लेके आया ना मैं गाइस, तेरे को मैं बता रहा हूँ यार, मतलब सपना पूरा हो चुका है बिग बॉस में जाने का। चाहे एक दिन के लिए गए, 3 घंटे के लिए गए, बस हो गए, जो चीज सोची थी वो हो गई है। मिलता हूँ आपको। अभी हम आए चाय पीने और रात के बज रहे 3:30। ये देखो सब, सबको चाय की लत लग रही है। कॉफी हाँ भाई, 8 बूस्ट कर दो, 1 कॉफी कर दो। देखो भैया बना रहे हैं भाई यहाँ पे, देखो सब कुछ चल गया व्लॉगिंग। हाँ 2-7 कर दो बूस्ट, 2 कॉफी कर दो। चलो भाई सच में नींद भी नहीं आ रही, बहुत मस्तियाँ चल रही है यार आज को, पी रहे हो रात को चाय। हाँ ये देखो सबको ना, सबको लेट याद आ रहा है, मैंने उनके ना इसलिए हाँ बस रहने दे, सबको करना है। हाँ पहले नहीं किया, मैंने पहले ही चालू किया। ये ना अभी नए नए व्लॉगर आए, अभी नए नए व्लॉगर आए ये मार्केट में, इनको इसलिए याद नहीं रहता है ना। कॉपी कैट दूध के अंदर वाले, बस रहने दे, बहुत थप्पड़ खा लिया मैंने आज, बहुत थप्पड़ खा लिया यार गाइस, बहुत थप्पड़ पड़ रहे हैं आज। ये ना ये लड़की नहीं बवाल है, ये दिख रहा होगा बवाल है ये। चलो भैया अभी चाय पीते हैं हम। ऐसे अगर भाई कैसी है बूस्ट, कैसा है? अच्छा है nice. चलो हम भी पीते हैं, देखते हैं कैसा है। मुंबई आओ तो आधी रात को आपको आके बूस्ट पीना यार। नहीं मुंबई नहीं भाई, वो भी साइकिल पे ही मिलेगा आपको। हाँ, मैं ये कहता हूँ कहीं भी जाओ घूमने, रात को चाय पीने कॉफी पीने निकलो भाई, चाय पीने निकलो यार। इसको निकालो रे, इसको 50 रुपए दे, इसके निकाल, इसको 50 रुपए में हायर किया इसको मैंने, कोई ना 50 रुपए दे दूंगा, कैमरे में बोल दे 25 दूंगा, भाव खा रही है। चलो भाई दे दो यार, मेरा बूस्ट का है यही है क्या। चलो भाई आ चुके हैं हमारे रूम में, चाय पी के सब कुछ, सब अपने अपने रूम में चले गए हैं। तो अभी आ रही है मेरे को नींद बहुत गंदे वाली, ठीक है तो सोते हैं भाई, मेरा सर फटने जा रहा है, बहुत गंदे वाला नींद आ रही है मेरे को। ठीक है तो आपको ब्लॉग कैसा लगा बता देना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।